प्रियंका गांधी ने आखिरकार रिश्ते को कभी अनदेखा नहीं किया। रोड शो के दौरान अपनी चाची मेनका गांधी को हाथ हिलाकर उनका भी अभिवादन किया। विदित हो कि सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। गुरुवार को प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में नगर के प्रमुख मार्गों पर रोड शो कर अभिवादन किया, लेकिन वक्त समय ऐसा था कि गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय नेता अमित शाह भी भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के समर्थन में खुर्शीद क्लब के मैदान में जनसभा को संबोधित करने आए थे। अपने निर्धारित समय से लगभग एक घंटा विलंब से शाह पहुंचे, तो वहीं शाह की जनसभा के उपरांत अपने निर्धारित समय से लगभग दो घंटे बाद प्रियंका गांधी सुल्तानपुर पहुंची। नगर के दरियापुर से प्रियंका गांधी का रोड शो का काफिला शुरू हुआ। भाजपा नेता अमित शाह की जनसभा खत्म होने के बाद भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी अपने आवास पर जा रही थी, जो कि इसी रास्ते से होकर उन्हें गुजरना था। मेनका गांधी घर जा रही थी कि प्रियंका गांधी का काफिला भी पहुंच गया, जिसके कारण मेनका गांधी की गाड़ी काफिले की भीड़ के बीचों बीच फंस गई। मेनका गांधी को गुस्सा भी आया। वायरल वीडियो के अनुसार उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी पर आग बबूला भी हुई, लेकिन करती भी क्या, काफिले के बीचों बीच उनकी गाड़ी फंस गई थी। इसी बीच प्रियंका गांधी का काफिला जिस वाहन पर सवार थी, बगल में मेनका गांधी की भी गाड़ी आ गई। चाची मेनका को देखते ही प्रियंका गांधी ने अपना हाथ हिलाते हुए चाची का भी अभिवादन किया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि भले ही मन में कड़वाहट हो, लेकिन आमने सामने होने पर दिल के रिश्ते किसी न किसी रूप में पुकारते ही हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।